पांव तक, सर से लेकर पांव तक पूरी तरह बॉडी साफ ही पावाना, साफ हो जाना है। आपको पता है ना एमआरआई किस समय क्या करते हैं, उस बॉडी को मशीन के अंदर लेके जाते हैं ना, है ना। जब एमआरआई खींचते, कोई हेड में तकलीफ है, कोई पेट में तकलीफ है, यानी कि पूरी बॉडी को जांच करने के लिए जब एमआरआई करते समय उस बॉडी को मशीन के अंदर लेके जाते हैं, तो मशीन के अंदर लेके जाते पूरी तरह को मशीन के अंदर से साफ हो जाती है। कहां कहां बीमारी है वो पता चलता है। इस तरह हम भी पूरी तरह साफ हो रहा है, बिल्कुल साफ क्लियर। मतलब सोच, हमारे दिमाग सोच शुद्ध शुद्ध, कोई भी बुरे विचार कोई भी कुछ नहीं है सर, शुद्ध मन शुद्ध आत्मा होना चाहिए हमारे अंदर बिल्कुल। उसके बाद आंख, आंख भी ऐसे नजर से देखना है, बुरी नजर बिल्कुल बुरी नजर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बुरी नजर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। यही रगड़ना, शुद्ध करना, साफ करना, धोना धोना, इसको बोलता है बाप्तिस्मा। क्या बोलते हैं बाप्तिस्मा, मतलब क्या है, धोना रगड़ना साफ करना, बिल्कुल सर से लेकर पांव तक बॉडी को पूरी तरह, जैसे कपड़ा को धोते हैं, गंदे कपड़े को रिन साबुन लगाते हैं ना, गंदे कपड़ा को रिन साबुन लगाते हैं ना, रिन साबुन लगा करके बिल्कुल धोना। सफेद कपड़ा में इतना सा भी दाग धब्बा नहीं दिखना चाहिए। बाप्तिस्मा के लिए हम तैयार हो रहे, बाप्तिस्मा के लिए हम तैयार हो रहे। और उसके बाद कान, कान कान से क्या सुनते हैं हम, अगर बुरे बात सुन लिया, ये बुरे बात, इस बात को नहीं सुनना चाहिए, ये बुरे बात को नहीं सुनना चाहिए, मतलब बुरे बात को कैच करते हैं, बुरे बात को कैच करता है, तेरे नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। और होंठ, जीभ, कंठ, जो भी बोलना बुरे बात बिल्कुल नहीं बोलना, बुरे बात बिल्कुल नहीं बोलना, इसी को बोलता है मन फिराओ, मन फिराओ। बाप्तिस्मा जो लेने वाला है, बाप्तिस्मा जो लेने वाला है, पूरी तरह नया सिरी से जन्म लेना है, नया सिरी से। पुराना जन्म, पुराना जन्म जो शारीरिक जन्म वो बिल्कुल खत्म, शारीरिक जन्म खत्म, नया जन्म यानी कि आत्मा में जन्म लेना है। हर एक व्यक्ति मां के पेट से बाहर आया, मां के पेट से बाहर आया, ये मां के पेट से जो भी बाहर आएगा आत्मिक तौर पर जन्म लेना है, यानी कि ये आत्मिक वचन, आत्मिक वचन हमारे अंदर। हमने पहले बोला प्यार, प्रभु का प्यार, बराबर प्यार, बराबर प्यार के द्वारा हम नया सिरे से जन्म लेते हैं। अब देखो कोलोसाई की लिखी हुई पत्री, मैं आपको दिखा देता हूं। कोलोसाई की लिखी हुई पत्री में पौलुस ने कोलोसाई की लिखी हुई पत्री में कहा था, कोलोसाई दूसरी अध्याय, कोलोसाई चैप्टर टू, कोलोसियों चैप्टर टू वर्सेस 12, कोलोसाई की लिखी हुई पत्री दूसरा अध्याय 12 वचन, सब लोग निकाल दीजिए 12 वचन, जो निकालना है तो सुनना तो सुन लीजिए। 2:12 चैप्टर 2 वर्सेस 12,
इसमें लिखा है, देख लीजिए, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। क्या लिखा है? तुम्हारा चाल चलन, अपना परिवर्तन, अपनी चाल कैसे होना चाहिए? परमेश्वर की योग्य हो, इंसान का योग्य नहीं, इंसान का योग्य नहीं, परमेश्वर का योग्य होना है। इंसान कुछ भी समझे, आप डरो मत इंसान को। इंसान आपको कुछ भी बोले, डरना नहीं, परमेश्वर का डरना है। इंसान आपको इंसल्ट भी करते हैं, अरे इसको कुछ नहीं आती, और इनको अच्छे तरह आती है, ऊपर ऊपर का बातें देखते हैं, लेकिन हम सब परमेश्वर की योग्य देखना है, परमेश्वर का योग्य बनना है हमको। यहां लिखा है, देखो, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो, जो तुम अपने राज्य के महिमा की बुलाते हैं। मतलब इसमें ये तेसलोनिका है, एक तेसलोनिका है, और कोलोसई में आएंगे अभी। ये एक थेसलोनिका में दो में है, अभी अभी कोलोसई में आ जाएंगे। कोलोसई 2:12, कोलोसई 2:12 में आएंगे। कोलोसई की पत्री Chapter 2 verses 12, 2:12, इसमें देखो, और उसी के साथ बापतिस्मा में गाड़े गए। देखो पहले क्या है, परमेश्वर का योग्य बन गए आप, परमेश्वर का तुल्य बन गए आप। परमेश्वर का तुल्य बनना ही पड़ेगा आपको। बापतिस्मा का मतलब क्या है? रगड़ना, धोना, साफ करना, मतलब पूरी तरह गंदे कपड़े को रिन साबुन लगा करके पुराना कपड़ा, मेल कपड़ा बिल्कुल सफेद हो गया, बदल गया। इस तरह हम भी बापतिस्मा लेने के लिए पूरी तरह बदलना है। इसमें यह लिखा है, पहले तेसलोनिक में लिखा है ना, योग्य बनना है, परमेश्वर का योग्य बनना है, यानी कि परमेश्वर का बराबर बनना है। हम लोग सोचते हैं, बाप रे परमेश्वर कहाँ है, हम कहाँ हैं, हम कैसे योग्य बनेंगे, सोचते हैं लोग, लेकिन बनना ही पड़ेगा। क्यों? परमेश्वर पवित्र है तो हम भी पवित्र बनना पड़ेगा। पवित्र बनाने के लिए ही यीशु आया है, नहीं तो बापतिस्मा बेकार है, नहीं तो बापतिस्मा बेकार है। जैसा गंदगी कपड़ा को फिर दोबारा पहन लिया, जो पहना, जो हम बाहर गए थे पहन के, पसीना हो गया, फिर घर आया, फिर उतारा, फिर उसी को पहन लिया, ऐसा नहीं। उसको धोते हैं साबुन से, ओ बिल्कुल सफेद, बहुत अच्छा। इस तरह बापतिस्मा भी बिल्कुल साफ होना है। ले जा करके किसी का, चलो चलो डुबकी लगाओ, चलो चलो चल चलो डुबकी लगाओ, बस हो गया, डुबकी लगा दिया। पानी में डुबकी लगाने से नहीं, कैसे लगना है? पवित्र में लगना है, पवित्र। अब देखो यहां क्या लिखा है, और उसी के बापतिस्मा के में गाड़े गए। मतलब वो जैसा मरते हैं ना, मरने के बाद गाड़ते हैं, दफनाते हैं, तो बापतिस्मा भी पवित्र रूप में दफनाना, आत्मिक दफनाना। देखो, बापतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, किसके ऊपर? परमेश्वर का शक्ति, मनुष्यों का शक्ति नहीं, परमेश्वर शक्ति को पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, यानी कि यीशु मसीह को गाड़ा गया। यीशु मसीह पहले मर गया कलवरी क्रूस में, गाड़ा गया, फिर क्या हुआ? जी उठा। इस तरह बापतिस्मा के द्वारा आपको भी जल में आपको ऐसे ऐसे गाड़ा गया, ऐसे लेटर जल में। जल कहां तक होना चाहिए? कमर तक होना चाहिए। जल जल कमर तक होना चाहिए, कमर तक आपको जल में लेकर के
आपको पकड़ के ऐसे गाड़ा गाड़ दिया, फिर आपको ऐसे जिलाया, यानी कि यीशु मसीह को कब्र में गाड़ा गया, फिर यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, आपको बापतिस्मा के पास ले जा करके आपको बिल्कुल पानी में गाड़ा गया, फिर जी उठा, मतलब आप शारीर के रो तौर पर मर चुका है, आत्मिक तौर पर जी उठा है। अब क्या हो गया, मेल गंदगी कपड़ा को डुबाया, रिन साबुन लगाया, पूरी तरह अच्छी साफ पानी में धोया, ऐसा किया, फैलाया, फिर देखा सफेद हो गया। सफेद मतलब पवित्रता, सफेद मतलब पवित्रता, पवित्रता होना है, उसी को बाप्तिस्मा दिया जाता है। आप जब बाप्तिस्मा ले गया, आपका नाम जीवन का पुस्तक में लिखना है। अब देखो दो ग्रंथ पर स्वर्ग में है, आपको दिखा देता हूं, आइए प्रकाशित वाक्यों आखिरी पुस्तक रेवल्यूशन, रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्यों 20 आपको मैं दिखा देता हूं, देख लो 20 में, हाँ 20 वर्सेस 15 रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 15 वचन, देखो 15 वचन देखो नीचे, किसी का नाम देखो ध्यान से सुनना, प्रकाशित वाक्य देखो 20 15 देखो इसमें क्या लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखी हुई ना मिला, ध्यान से सुनना, किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखी हुई ना मिला, वे आग की झील में डाल दिया जाएगा। यानी कि आप बापतिस्मा लेने के बाद आपका नाम जीवन का पुस्तक में लिखना है, आपका नाम जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो किताब को लेकर आपका नाम पाना है, आपका नाम उस किताब में पाना है, नहीं तो वो बापतिस्मा वेस्ट। इसमें लिखा है जिस किसी का नाम जीवन के, ये बाइबल है, ये पवित्र बाइबल है ये, लेकिन जीवन का पुस्तक स्वर्ग में है, वो आपका नाम उसमें लिखना है, नहीं मिला नरक। और इसमें 12 भी पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे, 12 में लिखा है, देख लो एक बार, मैं आपको दिखा देता हूं 12 में, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के चारों ओर खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खुल गई, देखा क्या लिखा है, पुस्तकें खुल गई, पुस्तक खुल गया, फिर एक और पुस्तक खुल गई, दो पुस्तक है, समझ में आ रहा है सिस्टर, दो पुस्तक है स्वर्ग में, दो पुस्तक है, पुस्तकें खुल गई, दो पुस्तक है खुल गई, देखो फिर और एक पुस्तक खुल गई, माने कि पुस्तकें हैं, दो पुस्तक, एक पुस्तक खुल गई, फिर एक और पुस्तक खुल गई, देखा पुस्तकें खुल गई, फिर एक और पुस्तक खुल गई, और फिर एक और पुस्तक खुल गई, दो बार लिखा है देखना, फिर एक और पुस्तक खुल गई, फिर एक और पुस्तक खुल गई, यानी कि दो पुस्तक खुल गई, अर्थात जीवन का पुस्तक जिसका नाम उन पुस्तक में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय करेगा। दो पुस्तक खुल गया, फिर एक और पुस्तक, फिर एक और पुस्तक, दो पुस्तक खुल गया, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखना है, जीवन की पुस्तक। जब किसी का नाम उस पुस्तक में नहीं है, वो स्वर्ग में नहीं है। लेकिन जब बापतिस्मा आप लेने जा रहे, प्योर पवित्र कपड़ा को साफ किया, बिल्कुल साफ कपड़ा,
इसको स्टडी बोलते, इसी को बोलता है स्टडी। स्टडी मतलब कोई बैठ के आना नहीं है, आपको तैयार कर रहे, हम आपको तैयार कर रहे, आपको प्रभु में तैयार कर रहे। वचन वचन एक साबुन है, वचन एक साबुन है, आपको दो रहे बिल्कुल। अब देखो उसके बाद, अब कोलोसै की पत्र में बताया था ना, प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठा तो आप भी संसार में बापतिस्मे के द्वारा फिर आप जीवित हो गया। अब पानी से बाहर आ गए, आप पानी से बाहर आ गए तो इसका मतलब क्या है? फ्रेश, कोई भी स्वभाव गंदगी स्वभाव नहीं होना चाहिए। चाहे हम भी पासवान भी, पासवान भी, विश्वासी भी, सब पवित्र होना चाहिए। देने वाला भी पवित्र होना है, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है। बापतिस्मा का बारे में बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी है। बापतिस्मा का स्टडी अलग है और स्टडी अलग है, बापतिस्मा का स्टडी अलग है और स्टडी अलग है। बापतिस्मा का स्टडी मतलब होता है आपको बिल्कुल रगड़ना है, धोना है, साफ करना है, जैसा पुराना गंदगी कपड़ा को बिल्कुल क्लियर, जैसा फैलाते हम, देखने वाला कहता है वो बहुत अच्छे साबुन लगा दिए। उस समय खुशबू भी आता है, खुशबू कपड़े में खुशबू आती है, तो आपका जीवन में भी पवित्रता का खुशबू आना है, पवित्रता का खुशबू, पवित्र जीवन का खुशबू। यानी कि ये खुशबू दूसरों तक पहुंचाना है, आप भी दूसरों को आपका जीवन दिखाना है। देखो मेरे पहले कैसी थी, कैसा था, अब मैं कैसा था, कैसा थी, मेरे अंदर बदलाव उठा गया, मेरे अंदर बदलाव उठा गया। अब बापतिस्मा लेने वाला आपको बदलाव बहुत जरूरी है। अभी मैंने सोच रहा हूं आप लोगों को बापतिस्मा जल्दी देना है, तो प्रभु यीशु मसीह की आगमन बहुत जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है प्रभु यीशु का आगमन। इसलिए आज क्या है बापतिस्मा का मतलब क्या है? गाड़ना और उसके बाद जलाना, साफ होना, पुस्तक में, जीवन का पुस्तक में नाम लिखना, जीवन का पुस्तक में नाम होना, स्वर्ग में आपका नाम लिखना है। बापतिस्मा ले चुका, बापतिस्मा ले चुका, आपका नाम वहां पाना है, तभी राज स्वर्ग राज में जाए। नहीं तो पूछेंगे आपने बापतिस्मा लिया, बोलेंगे हाँ लिया हूं, आपका नाम तो है ही नहीं यहां, आपने बापतिस्मा लिया तो नाम तो है ही नहीं, तो नहीं लिखा मेरा नाम, कहां लिखा है, फिर कैसे लिखेंगे? पवित्र, बिल्कुल साफ। परमेश्वर कैसे है? साफ, परमेश्वर साफ, हम भी साफ, बिल्कुल साफ। तो तभी आपका नाम जीवन का पुस्तक में लिखना है। अब क्या है बापतिस्मा? जो यूहन्ना ने बापतिस्मा दिया, यूहन्ना ने बापतिस्मा दिया, अब आपको बापतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा का बापतिस्मा पाना, फिर आग की बापतिस्मा पाना। मैं बताऊंगा नेक्स्ट, मैं बताऊंगा नेक्स्ट शुक्रवार को बताऊंगा ये बापतिस्मा, आत्मिक बापतिस्मा, आग का बापतिस्मा क्या है। पानी का बापतिस्मा, पानी में डुबकाना है ना, पानी में डुबा दिया आपको, उठाया यानी कि यीशु मसीह को दफनाया फिर जी उठा। तभी इनको, और एक बात है, यीशु मसीह शरीर को, ये शरीर को खत्म कर दिया, आत्मिक शरीर के साथ बाहर आ गया, मिट्टी का शरीर को दफना लिया, आत्मिक शरीर में आ गया। हम भी मिट्टी का स्वभाव यानी कि मानव स्वभाव, मिट्टी का स्वभाव खत्म, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर में
सहभागी, परमेश्वर में सहभागी हो जाओ, बिल्कुल साफ हो जाओ। इस हम स्टडी में अगले बार आपको पानी का बपतिस्मा तो आपको बता दिया क्या सादृश्य रूप में है, और आत्मिक बपतिस्मा होना, आपका बपतिस्मा होना, अगर ये भी नहीं है तो बपतिस्मा का कोई मतलब नहीं। कानी काली पानी का बपतिस्मा लिया अधूरा है, वो दोनों बपतिस्मा भी जरूरी है। मैं अगले हफ्ते शुक्रवार को बताऊंगा ये दोनों बपतिस्मा कैसा होगा, शुक्रवार को स्टडी में बताऊंगा मैं वो बपतिस्मा कैसा पाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। पानी का बपतिस्मा क्या है, आप पास्टर के पास आ गया, पास्टर साहब आपको पानी में लटा दिया फिर उठाया, जैसे यीशु मसीह को लटाया मरने के बाद फिर जी उठा, शारीरिक को दफनाया आत्मिक रूप में उठाया। हम भी शारीरिक स्वभाव खत्म करके आत्मिक स्वभाव में आना है, इसी को बापतिस्मा रगड़ना धोना और साफ करना, साफ करना बिल्कुल क्लियर। प्रार्थना करिए, हे प्रभु मैं पवित्र बनना चाहता हूं, मैं पवित्र बनना चाहता हूं, इस चलना छोटा सा प्रार्थना करेंगे।